ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मिलने के बाद से ही लगातार हड़कंप मचा हुआ है। इसी वजह से कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन से आवाजाही पर रोक लगा दी है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। फ्लाइट्स पर बैन का समय आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। उससे पहले आने वाली फ्लाइट्स के हर पैसेंजर के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य भी कर दिया गया है। तो वहीं इससे पहले ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ्लाइट्स को बैन करने की मांग यहां पर सामने रखी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि यूनाइटेड किंगडम में कोरोना की नई स्ट्रेन की खबर चिंताजनक है। भारत सरकार को इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए और यूके तथा अन्य यूरोपीय देशों से आने वाली फ्लाइट्स को तुरंत बैन करना चाहिए। जिसके बाद भारत सरकार ने संज्ञान इस पर लिया और फ्लाइट्स को बैन किया गया है 31 दिसंबर तक के लिए। चलिए अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ऋषभ पांडे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, लगातार जैसे ही ब्रिटेन में नया स्ट्रेन कोरोना का जब जैसे ही दस्तक दी, लोगों में जो हलचल थी, जो चिंता थी, वो बढ़ गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया कि जितनी भी फ्लाइट आ रही है ब्रिटेन से और अन्य प्रभावित देशों से, उन्हें रोका जाए और उस पर संज्ञान भी लिया गया है। 31 दिसंबर के लिए फ्लाइट बैन कर दी गई है तब तक के लिए। ऋषभ, इसके अलावा क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए मनीषा, ब्रिटेन में नया स्ट्रेन फैला था तो उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे सभी देशों में एक दहशत का माहौल था, क्योंकि देखिए इसके लिए सबसे पहले बताया गया था कि ये 70% जो ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला वायरस रहेगा, तो कहीं ना कहीं भारत में भी इसको लेकर चल रहा था और विपक्ष ने भी इसका मामला पूरी तरह से उठाया था। चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या अरविंद केजरीवाल, दोनों ने ही सुबह ट्वीट कर इसके लिए चिंता जताई थी। तो उसके बाद सरकार ने इसका फैसला लिया है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साफ तौर पर 31 दिसंबर रात 11:59 तक जो फ्लाइट्स थी उन सभी को रद्द कर दिया है कि अब जो संचालन है वो बंद किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज यही है कि जो यात्री वहां से ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके लिए 22 दिसंबर रात में 11:59 तक जो फ्लाइट्स आएंगी उन सभी यात्रियों को अनिवार्य किया गया है कि उनको इंडिया में एंट्री जरूर मिलेगी, लेकिन RT-PCR टेस्ट के बाद। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस पूरे मामले को पूरी तरह प्रमुखता से उठाया है। और देखिए, जो ये नया वायरस है, जो नया स्ट्रेन आया है, इसका नाम VUI 2020/12/01 इसका नाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण की तेजी है वो इसमें तेज बताई जा रही है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि सभी देश, चाहे सऊदी हो, उसने बॉर्डर सील कर दिए थे क्योंकि वहां पर भी मामले ज्यादा बढ़ रहे थे और जिस तरह से इसके मामले लगातार सामने आ रहे थे, तो भारत में एक तो जनसंख्या भी ज्यादा है और जिस तरह से कोरोना वायरस के अभी असर देखा गया था और जहां ये 70% तेजी से फैलने की बात है, तो इस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि इस वायरस को अब भारत में एंट्री ना दी जाए। जी ऋषभ, चलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।